प्रदेश के जनपद अमरोहा की औद्योगिक नगरी कजरोला के नेशनल हाईवे 9 के किनारे स्थित आनंदा डेयरी लिमिटेड के परिसर में शिक्षा पर डेयरी कार्यक्रम का सफलतापूर्वक किया गया आयोजन। क्षेत्र के बहुत से दूध उत्पादक किसानों ने कार्यक्रम में भाग लेकर मूल्यवान ज्ञान प्राप्त कर बहुत सी समस्याओं का पायसा बना। बता दें कि कृषि कौशल परिषद भारत के तहत काम कर रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया ने कजरोला में दूध उत्पादकों के लिए प्रमाणित क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह कार्यक्रम आनंदा डेयरी लिमिटेड की उद्यम संघ के सहयोग से औद्योगिक नगरी गजरोला के नेशनल हाईवे 9 के किनारे स्थित आनंदा डेयरी इकाई में आयोजित किया गया। आनंदा डेयरी लिमिटेड के प्रेसिडेंट एमपीडी एसएम त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र के दूध उत्पादकों की उत्पादकता और डेयरी के संचालन में आयोजित किया गया है, जिसका आज समापन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 35 दूध उत्पादक किसानों ने सक्रिय भाग लिया, जिसमें उन्हें मूल्यवान ज्ञान और समस्याओं के समाधान की प्राप्ति हुई। CEDSI के प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान किया गया। उन्होंने बताया कि आनंदा डेयरी लिमिटेड किसानों के कल्याण के लिए इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में चौधरी गिरिराज सिंह, रविराज सिंह, अभिषेक, श्यामवीर सिंह, नैमपाल सिंह, कुशलवीर सिंह, गुरबीर, मोहित, भीषम, जितेंद्र सिंह, हिमांशु आदि दूध उत्पादक मौजूद रहे। पहले तो सभी पत्रकार भाइयों को हमारा नमस्कार। आनंदा डेयरी लिमिटेड की तरफ से यह 3 दिन का कार्यक्रम 2, 3, 4 कंटिन्यूएशन में चला है और वो गजरोला ब्लॉक के जितने भी आनंदा डेयरी से जुड़े हुए हमारे फार्मर थे, सभी को यहाँ पे बुलाया गया, उनको जागरूक किया गया कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को दुगना, आय को दुगना कैसे किया जाए, कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे किया जाए, उसके मैनेजमेंट के बारे में बताया गया। गाय और भैंस सबसे बड़ी एक जो गाय और भैंस को हम लोग जानवर के रूप में देखते हैं, उसको जानवर न समझ के एक धन लक्ष्मी का रूप उसको धारण किया जाए और साथ साथ उसको दोस्त बनाया जाए। दोस्त ऐसा दोस्त गाय भैंस होती है कि जो कभी भी किसी भी इंसान के साथ बेईमानी नहीं कर सकती और पूरा आउटपुट देती है, जिससे हर किसान अपनी माली हालत को मजबूत कर सकता है, घर का संचालन भलीभांत कर सकता है, जिसमें कई बातों का ध्यान रखा गया, बीमारियों से बचाव कैसे किया जाए, उसके मैनेजमेंट को कैसे रखा जाए, पानी का महत्व क्या है जानवरों के लिए उस पर ध्यान दिया गया और साथ साथ उनको हरा चारे के रूप में, पशु आहार के रूप में और उनको टीकाकरण, सभी इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए जिसे कहते हैं AI आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन के बारे में बताया गया। अच्छा बीज सीमन कहां से लाके कैसे हो और हर साल गाय और भैंस से एक बच्चा लिया जाए, इस मूलभूत बातों का ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक गाय और भैंस से उत्पादन क्षमता ली जाए, जिससे कि हर किसान के घर में अपना एक कमाने का जरिया हो। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जहां पे हर किसान अपनी आमदनी डबल कर सकता है, इससे अच्छा कोई भी। ये पूरे 3 दिन का हमारा मूल मंत्र रहा और इसी को लेके पूरे गजरोला ब्लॉक में हमको हर घर 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 जाना है और किसान की माली हालत को बढ़ाना है। ठीक ठीक।